गुड मॉर्निंग वीर मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आपको यूटी जीएसटी की एंट्रीज किस तरह पास करनी है, क्योंकि यूटी जीएसटी बहुत ज़्यादा आजकल कंक्लूजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जब हम एंट्रीज करने जाते हैं। तो आपको ये आना चाहिए टैली के अंदर। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कंप्यूटर थोड़ा सा टॉपिक में आते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपके IGST का क्या है। देखिए, जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर तीन टाइप के जीएसटी आते हैं, CGST, SGST और IGST। और इसके साथ साथ में आपका एक और टैक्स आता है जिसका नाम है, देखिए तो थोड़ा सा देखते हैं, तो यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कहते हैं UT GST। तो UT GST के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे आप ध्यान से। तो इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है कि CGST और SGST के साथ साथ में, लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इंडिया में 8 या 9 हैं, जो भी अभी कश्मीर का होने के बाद में 9 हो गए हैं। तो ये रहे दिल्ली को छोड़ करके बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दिल्ली जो है NCT है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसको छोड़ करके बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप वहां पर लोकली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वहां पर क्या लगेगा, CGST के साथ में SGST। और इसमें गार्ड बांध लीजिएगा, CGST अकेला नहीं लगता, साथ में SGST भी लगता है, लेकिन हमेशा केंद्र शासित प्रदेश के साथ में, माफी चाहूंगा, SGST के साथ में UT GST लगेगा, साथ में जितने भी आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर CGST के साथ में SGST लगेगा। तो ये है। और बाकी अगर उनसे बाहर जैसे कि चेन्नई हो गया, बाकी आपका दमन एंड दीव हो गया, दादर नगर भी हो गया, तो वहां पर लोकली बैंक से नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, CGST और UT GST। लेकिन जब बाहर आउटसाइड बाय जाएंगे तो क्या लगेगा, IGST। कहने मतलब ये है कि SGST का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं टैली के अंदर की कैसे क्या काम होगा, थोड़ा सा नक्शा भी देखते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेंगे। देखिए इंडियन मैप है, ये इंडिया का मैप है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं हर एक चीज़ को। देखिए ये दमन दीव हो गया, दादा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, देखिए यूटी जिसमें ब्लैक ब्लैक पॉइंट रखा रखा है, देखिए ये हो गया एक आपका पौंडीचेरी हो गया, देखिए एक आपका चंडीगढ़ हो गया, एक लेह हो गया, एक जम्मू एंड जम्मू हो गया आपका। ये सारी चीज़ें आपके क्या होगी, केंद्र शासित प्रदेश। और बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आते हैं इसकी एंट्री देखते हैं, UT GST कैसे होगी। सबसे पहले एक कंपनी बनाते हैं, Alt F1 से यहाँ पर क्रिएट कंपनी करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कंपनी करते हैं, यहाँ बनाएंगे UT GST, क्योंकि हम UT GST सीख रहे हैं तो UT GST की एंट्रीज आएंगे इसमें। यहाँ पर हम UT GST सेलेक्ट करते हैं, जैसे अंडमान और निकोबार, नहीं दादर एंड नगर हवेली को हम प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले। ये हमारी क्या हो गई कंपनी, देखिए तो ये देखिए दादर एंड नगर हवेली हमने सेलेक्ट किया, ये कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र के अंदर। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करें, GST को इनेबल करते हैं F11 में, क्या खुलेगा कंपनी फीचर के बाद कहाँ जाएंगे, टैक्सेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, GST को ऑन करेंगे, यहाँ पर GST को इनेबल करेंगे यस से, यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए इस कंपनी में क्या करना है, GST को हमें ये इनेबल करना है, तो यस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, सागर कर लीजिए, यहाँ पर यस करेंगे, इनेबल करेंगे। यहाँ पर क्या है, दादर नगर भी, यहाँ पर क्या करना है, GST नंबर 15 डिजिट का कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, डालने के बाद अपने आप सेव हो जाएगा, सेव हो गया ये, ठीक है। देखिएगा इसके बाद जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, और यहाँ पर जाएंगे F9 प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस नंबर डालने के बाद डेट डालते हैं, ऊपर डेट डली हुई है, पार्टी का नेम बनाते हैं, जगन नाम से संडे क्रेडिटर, ये कहाँ के रहने वाले हैं, दादर नगर हवेली के, तो वहीं के लोकल रहने वाले हैं, क्योंकि दादर नगर हवेली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर क्या लगेगा, CGST के साथ में UT GST। और जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन होगा GST नंबर, तब तो वो GST चार्ज कर पाएगा, तो उसके पास भी GST नंबर होगा, ये भी रेगुलर डीलर्स हैं।
परचेज लेजर के अंदर क्या आएगा, परचेज, क्या आएगा परचेज, क्या आएगा परचेज, क्या आएगा परचेज, ठीक है। और चीज, और चीज, ठीक है। जेस्चर क्या करेंगे, एप्लीकेबल, और यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को सेटल कर लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल। यहाँ पर क्या आएगा, 12%, मान लेते 12% माउथ पर लगा, ठीक है। वैसे भी 12% लगता है, 10 क्वांटिटी हमने खरीदी 200 रुपये की, अभी स्टॉक मोड में, अभी लेजर मोड में आने के बाद फिर हम यहाँ पर जीएसटी कैंट्री पास करेंगे। ऑल सी से यहाँ पर जीएसटी को हम करेंगे कितना परसेंट, 6%। कौन सा टैक्स है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, देखते जाइएगा कौन सा टाइप का है, जीएसटी का, जीएसटी में कौन सा सेंट्रल, कितना परसेंट, 6%, 120, ठीक है। और एच जी एस टी आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यूनिक जीएसटी के अंदर, यहाँ पर क्या आएगा, यूनिक जीएसटी, एसेट का नाम है हमारा फर्नीचर, कौन सा टाइप का है, ये क्या होना है हमारा, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में डालेंगे, ठीक है। इसमें जीएसटी लगेगा, हाँ एप्लीकेबल है, कौन से टाइप का ये टैक्स है, ठीक है। हेलो, देखिए यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेबल करना है जीएसटी को, सेटल जीएसटी को क्या करना है, यस कर देना, क्या करना है ना, एप्लीकेबल कर देंगे सेटल डिटेल को, क्या करना है, यस, और इसको यस करते हैं, जीएसटी का डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर क्या करना है, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल कर देना है, यहाँ पर क्या डालना है, 12%, कौन सा ये फर्नीचर, देखिए अभी कितना है, इस पे भी 12% है फर्नीचर पे, माउस पे भी 12%, दोनों का रेट सेम है, तो दोबारा जीएसटी लगाने की जरूरत है नहीं, अलग होता है, फिर आपको सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगाना है। सपोज कर लीजिए 1200 रुपये, 12000, देखिए 840 रुपये, कैसे चेक करने के लिए ऑल्ट ए और ऑल्ट एफ 1, 720 रुपए का आपका फर्नीचर हुआ और 120 रुपए का ये हुआ, 14000 का ये और 1680 रुपए का, यानी 1580 रुपए का आपका हुआ, माफी के गलत बता गया, ये आपका, हाँ 1580 रुपए का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक आईजीएसटी की एंट्री देखते हैं, एक इनवॉइस नंबर ये रहा हमारा, सप्लायर नंबर, सप्लायर नाम ये रहा हमारा, इसका नाम है अमन, अमनदीप सिंह, ठीक है, अमनदीप सिंह, ये कौन है, संडी क्रिएटर, क्या है, संडी क्रिएटर, ये कहाँ के रहने वाले, ये सर रहने वाले दिल्ली के, कहाँ के रहने वाले, दिल्ली, दिल्ली के रहने वाले, जीएसटी नंबर डाल दिया इनका, कुछ भी है, 25 के अंदर 25 अकाउंट आएगा, और मान लेते हैं हम माउस ही खरीद रहे हैं, कितना, एक पीस, कितने कितने का, 200 रुपये का, इस पर कितना परसेंट लगा हुआ हमारा, 12% सी जी एस टी नहीं लग रहा, भाई ड्यूटी जी एस टी ये भी लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये कौन सी एंट्री है, आई जी एस टी, कौन सी है, आई जी एस टी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकली हम बाइक सेलिंग कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, दो स्टेट के बीच में कर रहे हैं, दादा नगर हवेली कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के अंदर दादा नगर हवेली की केंद्रशासित प्रदेश है वैसे भी, और कहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई जी एस टी, तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर क्या होने, ऑल सी से आई जी एस टी 12%, ठीक है। ये किसमें जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, जीएसटी में भी कौन सा आपका,
इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर कितना आएगा 12%। चेक करने के लिए ऑल्ट ए और ऑल्ट एफ। कंट्रोल ए से एंट्री को देखने के लिए डे बुक में जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, डे बुक, यहाँ पर जाएंगे अमन जी, देखिए ये आपकी एंट्री दिख रही है डे बुक के अंदर, सारी एंट्री दिख रही है डे बुक के अंदर। एफ टू करेंगे, जिस डेट की एंट्री चाहिए वो आ जाएगी, और सारी एंट्री देखने तो यहाँ पर स्पेस दबा देंगे और एंटर कर देंगे, सारी एंट्री आ जाएंगी। ठीक, चलो ये तरह आपका ये